तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं आपकी एक और नई वीडियो में। तो गाइज चेक करो आज कौन सी साइकिल जा रही है भाई, अपनी सेरा यानी अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल। बहुत दिनों से भाई ये साइकिल को मैं चला नहीं रहा था, मिस कर रहा था और उतना चलाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था क्योंकि अपने वुल्फ वगैरह में चला था, राइड वेट करके घर आ रहा था और ये साइकिल भाई घर पर रखी रह रही थी। बोले नहीं आज इसको लेके जाएंगे राइड पे, क्योंकि बहुत दिनों से रखी हुई थी। इसको मैंने साफ किया था, जब वुल्फ को मैं पिछली बार साफ किया था इसको भी साफ किया था, चैन वगैरह लूप किया था। तो आज इसको राइड लेके जा रहे हैं। व्हीली वगैरह थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा इस पर, नहीं सुजल या पीयूष के साइकिल पर व्हीली वगैरह मारेंगे। बाकी अपने बंदे लोग आ चुके हैं अपने स्टैंड पॉइंट पे आज, तो स्टैंड पॉइंट पे आज राइड होने वाला है। सूरज तो भाई तेज़ है काफ़ी, मैं सूरज देख देख के निकला हूँ लेट से थोड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा तेज था, आँख में चुभ रहा था। अभी थोड़ा सा राहत मिल रहा है तो अभी भी आँख पे ही लग रहा है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा हमारा दूसरा वाला स्टैंड पॉइंट, यहाँ बहुत दिनों से नहीं जा रहे भाई। बारिश वारिश हुआ है ना, पूरा साफ हो गया है, झाड़ू वाड़ू मारने की जरूरत ही नहीं है इसमें। लेकिन आपको मालूम है कि जाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें। ये इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक टोटो, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक साइकिल, अभी आने वाला जनरेशन जमाना सारा इलेक्ट्रिक का ही होने वाला है। इधर का क्लाउड कुछ ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, इधर का ठीक है, इधर ब्लैक लग रहा है। काम करने जो अंकल लोग जाते हैं ना, जैसे अभी पार हुए ना, इन लोग को मेरा इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है। सब जो जो काम वाम से आते हैं जाते हैं पैडल मार मार के ना, उन लोग को ये तो फेवरेट साइकिल है। उससे मोटर वाला साइकिल है, कितना दाम है, कितना रेंज चलता है, सारा सवाल वगैरह करते हैं मेरे से, अच्छा लगता है। मतलब काम पर देखते, काम पर इंसान थक के आता है जाता है, तो उन लोग सोचता है कि ऐसा साइकिल हम लोग पास भी रहता कि आराम से पैडल मारते हैं, साइकिल पे धक्का देता है, पहुँच जाते हैं हम लोग कहीं भी। अरे यार रोड खाली हो तब तो पार हो भाई, गाड़ी आ रहा। अरे मैडम, अरे मैडम ऐसे रोड नहीं पार किया जाता, इतना रिक्स लेकर रोड पार। मैं हमेशा ही कहता हूँ एक गाड़ी देख के अंदाजा मत लगाओ कि पीछे गाड़ी नहीं होगा, जब तक पूरा रोड क्लियर ना दिखे तब तक रोड क्रॉस ना करो। अभी लड़की सच में, अगर वो कार स्लो था इसलिए चलो कुछ नहीं हुआ, कार अगर फास्ट रहता ना भाई कुछ भी हो सकता है। हाईवे को हल्के में कभी नहीं लेने का है। क्या हो भाई गिरा? ओ नहीं चढ़ा। क्या हो गया? पहले आते हैं ना, उसका क्रैश देखा। हाँ साइकिल उड़ गई है यहाँ से, पता कैसे? अरे पैंट भी फट गया क्या तेरा? देखिए ना क्या हुआ उसको, पहले देखिए पैंट फटा के अंदर चोट भी लगा है। वो लगा है नहीं पता है, देखिए ना उसको पहले क्या हो गया उसको। अरे उसको छोड़ना, पहले तेको देखेंगे उसको देखेंगे। इन लोग का भाई सीट देखो, ये तो पूरा झुका हुआ है ना, इन लोग व्हीली मारने के बाद इन लोग का सीट बड़ा अच्छा लगता है। ये चेक करो गाइस आज अपने ब्लॉग की पहली व्हीली। ब्रेक एकदम चौपट कर लिया है, अगला ब्रेक तो लग ही नहीं रहा इसका ढंग का। हमको बस अपने ही साइकिल में बैठने में अच्छा फील आता है, बाकी लोग साइकिल अजीब सा लगता है टेढ़ा मेढ़ा। ये चेक करो गाइस लीन। अरे मेरा भाई ए चार्ज क्या, हम तो बोल दोनों चक्के एक साथ स्किड हुए हैं। ये तो बहुत ज्यादा हिल रहा है यार, साइकिल ऐसा गिराया गया, हैंडल इसका एक तरफ झुक गया है, यहाँ पे खतरा। स्टैम्प पे तो चोट लगता नहीं, कैसे गिरा है स्टैम्प पे चोट? अरे जो उड़ के भी गया ना, गंदा गिरा, दो तीन बोल्ट मारा। ये देखो पीयूष देख लो बढ़िया से कैसे कर रहा है बोल्ट। हां बस पैक लगा इसलिए तेरा साइकिल बच रहा है इसमें डर लगा। इधर सूरज उधर चांद, लेकिन ये जो मौसम है ना, ये मौसम में क्लाउड्स इतना अच्छा लगता है देखने में। देखो एक बार नजर फेरो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। लगा चोट, तेरा किस्मत अच्छा थे बची गया, पांव में चोट लगे नहीं करेंगे तेरे ऊपर पार। अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखो भाई चला रहा है अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल, इसका हाइट हेल्थ ज़्यादा है ना, और साइकिल भी 29 है तो इस पर ज़्यादा अच्छा शूट कर रहा है भाई। फर्स्ट टाइम चला इलेक्ट्रिक साइकिल, कैसा एक्सपीरियंस? हल्का सा पैडल ले रहा था, आगे पैडल भाई डरा दिया भाई। वो इलेक्ट्रिक साइकिल ऐसे ही चला रहा ना, कोई भी रुक के पूछेगा भाई चल कैसे रहा है। देखो ये दोनों भैया सॉफ्ट हो गया। तो भाई साइकिल पसंद आई थी लोगों को, सारा सवाल जवाब कर रहे हैं, फिर बोले देखे चला कर देखो वही चीज़ हो रहा है।
अच्छा भाई इलेक्ट्रिक साइकिल लेके आए, पता है इतना जोड़ का चोट लगे हम चल नहीं पा रहे हैं, साइकिल का चलता ये चक्कर भाई। ये ना हिल रहा चक्का का ऐसे। चल चल ना तो तेज हिल जाएगा फिर का है? ए जिंदगी प्यारा नहीं देखो ये चक्रो गाइस यहाँ का सीन देखो क्या मस्त लग रहा है, एकदम हेवी लग रहा है भाई। अरे तो भाई बिजली मारते मारते निकल गया तीनों। आज भाई दिन ठीक नहीं लग रहा है, इसका चक्का कहना ढिल रहा है, मेरे को पाँव में चोट लग गया, फिर उसका क्रैश हो गया, इसको भी चोट लग गया। अब आ रहा ना चढ़ाई लोग, इन लोग का अब मेरा याद आएगा, हमको मालूम है इमरान भी किधर गया। कौन है बाबू तुम? पैडल मारते रहे पैडल मारते रहे। इसी वजह से मैं इलेक्ट्रिक साइकिल आना राइट पे छोड़ दिया थे। ये लोग लटक जाता है, देख बैठा लटक रहा है। एक सेल कम हो गया, एक सेल कम हो गया, एक सेल कम हो गया। भाग 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 भाग। लाइट जल रहा है, हाँ लाइट जल रहा है। मैं व्हीली नहीं मारूंगा आज, मेरे बदले ये लोग व्हीली मारेगा। पता है व्हीली में चढ़ाई मालूम नहीं चलता है, व्हीली अगर मारते ना चढ़ाई एकदम समझ में नहीं आता है, लगता है सीधा रोड पर चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोड ऑफ कर दिए, नॉन इलेक्ट्रिक मोड पे चला रहे हैं गियर पे। अरे भाई गियर हार्ड करते हैं थोड़ा सा भाई, पाँव में एक्सरसाइज होगा शायद दर्द वगैरह ठीक हो, दर्द वगैरह तो कर रहा है पाँव फिलहाल। अभी हम जा रहे हैं शोरूम के साइड, लगा लोग व्हीली, मेरे को क्रेविंग हो रहा है, लेकिन आज इलेक्ट्रिक साइकिल चलाने का मूड में थे इसलिए व्हीली वगैरह तो उसमें मार नहीं सकते भाई, इतना भारी है व्हीली। उठ तो जाता है लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि इसका ब्रेक जो है ना भाई हाइड्रोलिक आदत लग गया ना हम लोग का, इसका ब्रेक मैकेनिकल वाला ना लो फील होता है हम लोग को। तबियत ठीक हो तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा भाई, इसका तबियत पूरा ही खराब हो गया था, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। पक्का भाई ब्लड जम गया यहाँ पे, पक्का है। अब मेरे को बर्फ़ वगैरह से सेकना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पैडल घुमा रहे हैं ना, आपको फील हो रहा है कि भाई कितना दर्द है मेरे पाँव में। ओहो हो बोलते हैं एक ही चीज़ का डर लगता है, कहते हैंडल वैंडल भी हाथ में ना आ जाए व्हीली मारते वक्त, इतना स्पीड में जो टांगता है ना उसको एक चीज़ का डर लगता है। फाइनली पहुँच गया भाई शोरूम, देखते हैं कोई एक्सरे वगैरह है यार, पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। खड़ा हो गया यहाँ पर, बात करें भैया लोग से, देखो बांध दिया सुजल का जूता, सुजल खुद सूंघेगा आज। नहीं आने दे रहा, दो बंदा एक बंदा को नहीं संभाल पा रहे थे लोग। कैसी लगी? आ गया स्वाद। राइड करने का प्लान तो था आज, काफी दूर जाते हम लोग, लेकिन चोट लग गया ना, अब हिम्मत नहीं हो रहा है कहीं दूर जाने का, दर्द बढ़ता जा रहा है। फिलहाल शोरूम गए थे, पीयूष का जो क्रैश हुआ ना, क्रैश की वजह से उसका क्रैंक है ना पूरा हिल रहा था, तो उसको अभी ठीक करवा दिए, अब साइकिल तो चलाने लायक हो गया उसका। ये चेक करो गाइस यहाँ पे हमारी साइकिल, और यहाँ पे हम लोग रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, अभी बंदे लोग आए हैं भाई चाय लाने के लिए, अभी लोग चाय पिएगा भाई, इतना गर्मी में लोग चाय पता नहीं कैसे सोचता है लोगों। फिलहाल भाई आज बोला ना दिन बुरा है, दिन सच में बुरा है। सुजल का भी क्रैश हो गया अभी थोड़ी देर पहले, हाथ वाथ में चोट लग गया, ब्लड वगैरह चल रहा है। आज मेरे को चोट लग गया, पीयूष को लग गया, सुजल को भी लग गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं। क्या बात है इतना स्लो स्लो क्यों चल रहे हो? लो भाई आ चुका है अपना चाय। आज इसके साथ भी हो गया है कल्याण, इधर देखो इधर, ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, हल्का हल्का हाथ में है, मतलब अच्छा खासा लग गया। क्या कर रहा था सूरज? ये ना इस पीयूष को बोला ना हाँ, बिना ब्रेक का मारने, ठीक है बिना ब्रेक का व्हीली मारने, बोला पीयूष बिना ब्रेक का मारा था, बोला हमें मार के दिखा रहे। रुको ना ना सूरज देख, बिना ब्रेक का मारे मारे बोला, जब ने लेट किया कार राइडर बनेगा तुम ऐसे। सबको चोट लग गया है और एक ही बंदा बचा हुआ है सूरज। क्या बोलता है इसका भी पूरा कर पा देगा? सबको चोट, सब उसको दो जगह पाँव में ब्लड चल रहा है, दो जगह चोट लग गया है, मेरा यहाँ पर लग गया, मेरे को ब्लड तो नहीं चल रहा है, ब्लड जम गया है, इसका दो जगह हाथ में चोट लग गया है, इसका भी ब्लड चल रहा है और बच बच के चल। पीयूष भी मैनुअल अच्छा मार रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। एवं फिर ये देखो ये भी सीख गया, बढ़िया कैसे चला रहे, फिर गिर जाएगा पता चला। हीरो बनने के चक्कर में और करो सब बोलता जुगाड़। फाइनली गाइस चला जाए, अभी गए थे पीयूष के घर, पीयूष के घर में कुछ काम था, बस काम आया और हो गया है जो भी था। फिलहाल अभी हम सुजल हैं निकल रहे हैं आज, तो भाई मतलब कि अपना वाइपर ना मॉनिटर कुछ भी नहीं है, मेरे को बदमाशी करने का मन कर रहा है जैसे ये कर रहा है। अब मेरे को पाँव ना बर्फ से सेकाई करना पड़ेगा तभी जाके राइड हो पाएगा, वरना इतना प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को पैडल मारने में। हाईवे ठीक ठाक खाली खाली है भाई, बीच बीच चलाना थोड़ा अवॉइड करता हूँ, ट्रक वगैरह बहुत गलत जगह पर लगाए हुए हैं, ऐसे रोड पर बीचों बीच ट्रक नहीं लगाने का है साइड में, कम से कम ये लाइन में हम लोग चलते हैं तो भाई बीच में जाना पड़ जाता है। खैर
अपना इलेक्ट्रिक साइकिल तो भाई इन लोग इतना बदमाशी किया है कि भाई चार्ज में एक पॉइंट बचा हुआ है, पता नहीं घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, चलाना पड़ जाएगा रास्ते में। तो फाइनली गाइज अभी भाई राइड से आया, बच्चे लोग मेरे को पकड़ लिया भाई, बोले कि आप गाड़ी से घूमिए, गाड़ी से घूमेंगे तो अभी जाके बहुत दिनों बाद भाई लॉर्ड ऑल्टो लेकर आ रहे, दो तीन दिनों से मैं चलाया नहीं था। यहाँ पे पूरा रोड एकदम खाली है, हल्का हल्का इधर जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, इधर ही घुमा लेते हैं। लो भाई रात के बज चुके हैं 10:30 और फाइनली गाइस पहुंच चुके घर। आज भाई थोड़ा सोचे थे कि बढ़िया सा राइड करेंगे, इलेक्ट्रिक साइकिल लिए हैं, भरपूर चलाएंगे, मजा के चलाए भी, भरपूर मजे भी लिए, लेकिन भाई पोपट ये हो गया कि आज सबको चोट लग गया, पीयूष को, सुजल को, मेरे को, खास करके मेरे को पहले लग गया, जिसकी वजह से मेरे को साइकिलिंग करने बार बार पेन हो रहा था। भाई सोचे कि अब कहीं दूर जाएंगे, दूर जाने वाले थे फिलहाल हम लोग, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय। Yeah.